ये साला प्रेम चोपड़ा विद्या समझकर मुझसे लिपट रहा था क्या? नहीं, मेरी आंखों पर दोस्ती की पट्टी लगी हुई है। नहीं एक्चुअली इसकी नजर विद्या पे है। भैया ब्लडी रेपिस्ट। धरण जी, ही इज नॉट अ रेपिस्ट। ही वो इसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। हाँ भैया, इसी जो पैनिक अटैक्स आते हैं ना, मतलब ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए बेचारे को नींद में चल रहा है। अब मैं देखता हूँ जब ये चाकू इसके पेट में घुस के इसकी पीठ से निकलेगा, तब मैं देखता हूँ ये साला स्लीप वॉकिंग कर रहा है या मून में। I knew it। भैया भैया मेरी बात तो सुनो। भैया भैया ये पैनिक अटैक्स के साइड इफेक्ट्स हैं। All men in this house throwing knife in gentlemen. Donu, start! Jump, start! Yeah. Up and what? Knife! अधिकारी को रोका, भगा डोनू, भगा। अरे कब से भगा 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 बोल रहा है, पीछे तो कोई भी नहीं है। वेड़ा करना रहा माला। कोई नहीं है? नहीं तो क्या? हंस तो क्या है करुण? डोनू। क्या हुआ? जस्ट चिल। ए, तेरे चिल का बिल बहुत हो गया, अभी तुम लोगों का नाटक बहुत हो गया, मैं सबको देखता हूँ, उस पागल को भी देखता हूँ उसकी। अभी क्या? मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम, और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम, क्या बकरी है मैं लगा रखी है? सीधी तरह बात करना, सीधी तरह कहाँ से करूँ बात? तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। अगर मेरा बच्चा बिन बाप के पैदा हुआ ना, तो सब मैं तो सुकुमार के नीचे कुचल डालूंगा। लेकिन वहां जब जाता हूँ तो सुकुमार नहीं हूँ, परिमल हूँ ना। अरे गेट से नाके तक आते जाते मेरे टेम्पो का डीजल खत्म होने को आया। स्टोरी में नया कैरेक्टर कौन आ गया? ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढोंडू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत का मरण दिन कमी ने। अरे आज तो उस पागल को ए, चुप। ए, क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढोंडू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरो, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, he's totally mad. क्या? Mad, mad. Look who's talking. मैं आता हूँ। अकेला मत छोड़ो। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी दो बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। मेरा या
यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है, मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? छोटी सी बात प्रेम भाई, क्या है? ठीक है डीजी, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना, शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूँ, कल जो तेरा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। अरे पागल घनचक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हट पागल घनचक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं नहीं, क्या इस बच्चे को मार रहे तो तुम्हें? ये पहली बार हो रहा है कि मौत हमारी नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना स्टाइल से क्या गाड़ी चला रहा है? एक रुपया नहीं है हमारे पास, उस टोबू को क्या बोलेंगे? अरे मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू है इसलिए तो टेंशन है। अरे रिलैक्स है। अरे रुक रुक रुक। टोबू जी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, आप प्लीज हमें एक और। वीर वीर, मुझे बोलने दे। आ तो टोबू, कम कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हट, ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी, भैया क्या बोलेंगे? वीर वीर वीर, तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे? सर प्रेम, सर मोती, दिनार, शिनार, मिनार, पर्ल हार्बर, ब्लड डायमंड, अशरफिया, बर्फिया, व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में हैं। खोलो। उड़े बाबा, उड़े बाबा, उड़े बाबा। तो बोलना बोलता है नींबू का अचार है। अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता है क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कसम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू का अचार नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना, इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अच्छा अच्छा है, लेकिन साथ में रोटी होती तो और अच्छा था। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बन्ना बोलता है, दो दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे, और इस आचार की गंदी गिलोनी हरकत के लिए आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिलेगी। टोबू तो बहुत कमीना निकला यार, हमारे कपड़े तक ले लिए। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या, मेरी बेवकूफी? हाँ। अरे उसने तो 250 रुपए की टी शर्ट और 350 रुपए की पैंट ली है, हम लोगों ने तो 1,00,000 का चूना लगाया है उसको। क्या करो यहाँ पर, सॉरी। भागो यहाँ से, भागो। बात पैसे की नहीं, तेरे जजमेंट की है। तेरे क्रिएटिव आइडियाज की वजह से मेरी जिंदगी में सोल्यूशन कम, प्रॉब्लम ज्यादा आ गई है। तेरे पापा फोटोग्राफर थे क्या? क्यों, तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मेरे पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज है। अरे भाड़ में जाए तेरे क्रिएटिव आइडिया। अबे कुत्ते क्यों भौंक रहा है? अरे एक वो धर्म है जो लुशोटो जाने का नाम नहीं लेता, एक वो टोबू है जिसने गोवा में हमारी चड्डी एक्सपोज कर दी, और एक तू भौंक रहा है। अबे कुत्ते गाड़ी के अंदर बैठ के भौंक रहा है, अंदर आके मारूंगा तेरे को, ऐसा मारूंगा कुत्ते साले कमे।
भाग वीर भाग, तू भाग उंगली तूने की है। Can you believe it, Mrs. Lobo? आजकल अ पर्सन नोन एज रेपिस्ट रंगा आधा नंगा होके ब्यूटीफुल लड़कियों का रेप करता है। ब्यूटीफुल लड़कियों का? Then we must take care, बाबा। Show me. See? रंगा हेलो सर। प्लीज मैरी, तुम एक लड़की हो, यहाँ एक फैमिली मेंबर जैसी। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरे बेडरूम में सोगी और मैं तुम्हारे कमरे में। कैसे बोल रहे हैं? ये तो कहना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम है। व्हाट? आपके मेरे बीच में प्रेम? जर्वेंट है सर। प्रेम 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 अमीरी गरीबी नहीं देखता, कहीं पे भी टूट पड़ता है। इसलिए आज के बाद तुम मेरे बेडरूम में रहोगी। इज दैट क्लियर? हेलो वीर, आज से तेरी पॉकेट मनी तेरे भैया नहीं, मैरी देगी। क्या? अपनी मैरी? अब वो अपनी मैरी नहीं रही है, नौकरानी से रानी बन गई है। आज रात को तेरा ठरकी भैया मैरी के साथ मैरी गो राउंड खेलेगा। मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। शौक में बेचारा, इसको तो ये भी नहीं मालूम कि इसने कुछ पहना नहीं है, चेंज क्या करेगा। देखा प्रेम, तुम्हारे थर्ड क्लास आइडियाज का नतीजा, पूरे शहर में आधे नंगे होके छी, और तुमने चोरी भी शुरू कर दी। पहले धर्म जी की वॉच और उसके बाद राजा का रॉयल गिफ्ट। क्या रॉयल? अचार था उसमें। और तुम क्या मुझे सुना रही हो? तुमने ही तो कहा था वी शुड डू दिस फॉर वीर, वी शुड डू दैट फॉर वीर। अब तो जानी इको नीनी सेमा प्रेम स्टॉप वीर। अरे वीर, क्या हुआ भैया? अरे वो प्रेम है ना, विद्या को लेके भाग गया। गाड़ी निकाल। गाड़ी तो वो ले गया। आजा। अरे काय कर तो है? अरे क्या हुआ जानवी को? पता नहीं यार, बात करते करते अचानक बेहोश हो गई। प्रेम
प्रेम, दिस टाइम यू हैव गॉन टू फार। एक्चुअली भैया, विद्या की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए प्रेम। अरे विद्या की तबीयत खराब हो गई तो तुझे बोलता, मुझे बोलता? हाउ डेयर यू टच हर? कांग्रेचुलेशंस, शी इज प्रेग्नेंट।